राम राम किसान साथियों। किसान मित्र, देखिए आज हम बात करेंगे ग्वार की खेती कब करें, कैसे करें, कौन सी वैरायटी बेस्ट है, इसी के बारे में आज मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक की पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप भी ग्वार की खेती कब कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। तो उससे पहले किसान, देखिए जो किसान हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। किसान साथियों, देखिए मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो किसान में देखिए ग्वार की खेती वैसे तो आपकी फरवरी से लेकर जो है सेप्टेम्बर तक की जाती है, लेकिन इसका जो सही समय जो होता है ग्वार की खेती करने का वो होता है बरसात का समय, यानी कहने का मतलब ये है जून या जुलाई का महीना। देखिए इस समय क्यों बेस्ट होता है मैं आपको बता दूँ, पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा ग्वार की डिमांड होती है, बिक्री होती है, वो होती है बरसात के समय में, यानी जून जुलाई अगस्त के महीने में। इस समय मंडी रेट भी सबसे ज़्यादा मिलता है और मंडी में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि मैंने देखा है जून जुलाई और अगस्त के महीने में ग्वार जो है लौटते लौटते ही मंडी के अंदर बिक जाती है, क्योंकि इस समय फली वाली सब्ज़ी या पत्ते वाली सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए ग्वार की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्वार की खेती आप कैसे कर सकते हैं बरसात के समय में। देखिए अगर आप भी बरसात के समय ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो एक चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ज़मीन का चयन करना पड़ेगा, वो आपको ज़मीन का चयन इस प्रकार करना पड़ेगा जहाँ पर कि बारिश का पानी प्रॉपर ना भरे या बारिश का पानी निकलने की संभावना हो, जिससे कि आपकी खेती ख़राब ना हो। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, ज़मीन तैयार करा के आपको चयन करना पड़ेगा सीड्स का। देखिए सीड्स जो मैंने यहाँ पर लिया है, एक ही दिया है, वो बहुत ही बढ़िया सीड्स है जो कि हमारा है स्टार एग्री सीड कंपनी का आता है, स्टार 610 नाम से, जो कि ग्वार का सीड्स है, बहुत ही बढ़िया सीड्स है और मैं भी हर साल इसी को यूज़ करता हूँ, बहुत ही बढ़िया आप इसे ला सकते हैं। तो आपको ये सीड्स लेना बहुत ही बढ़िया है। उसके लिए देखिए आप जब आप बुआई करो ध्यान रखें, आप जब DAP डालें या देसी खाद डालें दोनों के साथ में आपको क्लोरो का यूज़ जरूर करना है। देख क्लोरो का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि जब हमारी ग्वार जमती है सीड्स के या बीज के अंदर जब अंकुरण शुरू होता है तो क्या होता है, छोटे छोटे कीट होते हैं जो अंकुरण के समय ही बीज को खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा मानना तो किसान मित्रों ये है, आप कोई भी फसल करें चाहे ग्वार की हो या A to Z कोई सी फसल हो, जब भी आप फसल करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, क्लोरो का यूज़ हमेशा करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे कीट्स ऐसे होते हैं जमते जमते क्या करते हैं सीड को ख़त्म कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारा जो बीज है ख़राब था जमा ही नहीं, तो इसलिए आप क्लोरो का यूज़ ज़रूर करें, जिससे क्या होगा हानिकारक कीट जो है मर जाएंगे और आपके खेती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप सीड का ध्यान रखें। दूसरी ये है अगर आप जून जुलाई के महीने में ग्वार की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इस समय आपको मंडी रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी आय बढ़ेगी। और ग्वार की खेती देखिए बहुत ही बढ़िया फसल है, 40 से 45 दिन के अंदर इसमें इनकम शुरू हो जाती है और रेट तो इसका काफ़ी अच्छा रहता है बरसात के समय में। तो बेसिकली मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी ग्वार की अगर खेती करें तो बरसात के समय में कहें, आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा और इनकम भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। और एक चीज़ ध्यान रखें, आप ग्वार की खेती के लिए आपकी ज़मीन इस टाइप की हो जिसमें कि बरसात का पानी प्रॉपर ना भरे जहाँ तक। और अगर मैं बात करूँ बीमारी की, देखिए इसके अंदर कोई खास बीमारी नहीं आती, केवल एक सुंडी का प्रकोप रहता है जो कि आसानी से मर जाती है। इसके अलावा ग्वार की खेती में कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो आप ग्वार की खेती करें, बहुत ही अच्छी खेती है, उन्नत खेती करें, आपको फ़ायदा अच्छा होगा, लाभ अच्छा होगा, इनकम भी अच्छी होगी। तो मैं जानता हूँ किसान साथियों, अगर जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।